नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ अजय और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री राशन सामग्री के लिए आपको आवेदन किस प्रकार करना है। दोस्तों, अगर आपने मेरा एक लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, मैंने 4-5 दिन पहले बनाया था, इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बिना NFSA वालों को लोगों को भी फ्री में राशन सामग्री दी जा रही है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि राशन सामग्री किस प्रकार दी जाएगी। दोस्तों, मैंने वहां पर एक ऐप का जिक्र किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किए कि सर वो ऐप कौन सा है, कैसे उस ऐप के माध्यम से यहाँ पर आवेदन करना होगा। दोस्तों, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जिस ऐप की हम बात कर रहे हैं उस ऐप का नाम है RSMP डोइड विभाग राजस्थान की तरफ से ये संचालित है। दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर सिर्फ अभी जो ऑप्शन डाला है वो आपके क्षेत्र के BLO के हिसाब से डाला है। सिर्फ आपके क्षेत्र के BLO ही यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे और वही यहाँ पर चयनित करेंगे कि आपके कॉलोनी में या वार्ड में या फिर आपके क्षेत्र में कौन गरीब है और किस किस को यहाँ पर मदद किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि BLO भी यहाँ पर किस प्रकार से आवेदन करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहां पर सिटीजन कॉर्नर भी और ई मित्र पोर्टल के माध्यम से भी यहां पर आवेदन होने की संभावना है। लेकिन साथ में आपको बताने वाला हूं कि यहां पर अगर आप BLA है और या आप अपने BLO के पास जाकर भी उनको बताकर यहां पर अपना आवेदन करवा सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक गाइडलाइन यहां पर जारी हुई है, पहले उस गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि RSMF एप्लीकेशन के द्वारा यहां पर एक गाइडलाइन जारी की गई है और यहां पर लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर द्वारा तैयार RSMP ऐप में BLO द्वारा किए जाने वाले कार्य हेतु दिशा निर्देश, यानी कि जो कार्य अभी सौंपा गया है वो सिर्फ BLO को सौंपा गया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सिटीजन और इमेज धारक को भी काम सौंपे जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है BLO को द्वारा किए जाने वाले कार्य, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दो कार्य इनको दिए गए हैं। तो पहला है BLO जीविका, दूसरा राशन किट। अब दोस्तों, यहां पर पहला है BLO जीविका। इस ऑप्शन में BLO को अपने क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर उनका विवरण तथा उनके क्षेत्र में स्थित दानदाताओं का विवरण दर्ज करना है। क्योंकि सभी BLO द्वारा ऐप इंस्टॉल किया जा चुका है अतः ऐप का होम पेज निम्न प्रकार दिखाई देगा। दोस्तों, यहां पर इस तरह का आपको होम पेज दिखाई देगा इस ऐप का और यहां पर COVID-19 के ऑप्शन है, वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको BLO जीविका पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो क्षेत्र है आपका BLO कोड चुनना होता है यहां पर, और जो आपका कॉलोनी विवरण है, कॉलोनी जरूरतमंद परिवारों का विवरण है वो दोस्तों वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है और जो लोग गरीब है वो आपको यहाँ पर भरने हैं अगर आप BLO है। तो इस प्रकार से आप या तो अपने BLO के पास जाकर भी इस ऐप के माध्यम से अपना नाम यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं अगर आप गरीब है। अगर आपका नाम NFSA में नहीं है तो आप यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा कर फ्री में राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल भी होगा कि भाई हमारे किस काम का ये वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये अभी जो ऑप्शन आया है वो BLO के पास आया है। जल्दी ही यहाँ पर इमित धारक और यहाँ पर सिटीजन के लिए ये ऑप्शन आने वाला है और जल्दी ही। दोस्तों, आपने जैसा कि नोटिफिकेशन देखा होगा पुराना वाला, मैंने जिसमें बताया था कि यहाँ पर कोई भी सिटीजन यहाँ पर आवेदन कर सकता है और दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोई भी सिटीजन यहाँ पर आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको इंतजार करना है, या तो आप अपने BLO के पास जाइए या फिर आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आने वाला है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो आवेदन होंगे इसी ऐप के माध्यम से होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का इसका इंटरफेस रहेगा। तो चलते हैं ऐप की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन भी है, BLO जीबी का, VLO सर्वे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इमित्रा सिटीजन सर्वे, कोविड SQ, MHFW डिपार्टमेंट, ई पास, किसान ई पास और राशन किट। यानी दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति राशन किट देना चाहता है किसी गरीब आदमी को तो वहाँ यहाँ पर जाकर अपने जो किट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ऐप काम करेगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ आप BLO के पास जाकर अपना नाम यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप एक सिटीजन हैं और आप चाहते हैं कि मैं स्वयं से करूँ तो दोस्तों आपको 2-5 दिन यहाँ पर रुकना होगा और जल्दी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आने वाला है, तो आपको यहाँ पर इंतजार करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।